हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को अपना विंटर गार्डन दिखाने जा रही हूं, जिसे मैंने बहुत मेहनत से और बहुत तरह से सीड लगा के कुछ प्लांट परचेज करके बनाया और अब वो जाने वाला है। मेरा एक्सपीरियंस इन प्लांट्स के साथ कैसा रहा वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। जैसे ही मार्च का सीजन, मार्च का मंथ आता है, वैसे ही आपके विंटर फ्लावर धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे आने लगते हैं। और अभी मार्च का लास्ट वीक चल रहा है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जो डहलिया का प्लांट मैंने आप लोगों को छोटे पॉट से दिखाना शुरू किया था कि कैसे कैसे उसकी बढ़त हुई, कैसे कैसे मैंने उसे लगाया और किस तरह से उसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हुई। पिछले तकरीबन 2 महीने से मेरे यहाँ ये डहलिया खिल रहा है, लेकिन अब इसका लास्ट आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तीसरी बार मेरे यहाँ फ्लावरिंग कर रहा है। फर्स्ट टाइम बहुत बड़े बड़े फ्लावर निकले थे। उसके बाद आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ मैंने देखे कट किए हुए हैं, कितने सारे ये फ्लावर्स मैंने कट किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ भी देखे कट किए हुए हैं। उसके बाद ये कलियाँ निकली हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ्लावर निकले हुए हैं। और भी छोटी छोटी कलियाँ बन रही हैं, लेकिन चूँकि अब टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है और इनका सीज़न ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें कलियाँ तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन उतना बड़ा फ्लावर अभी नहीं हो पा रहा है। मीडियम साइज के फ्लावर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अभी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि 10 दिन और ये चलेंगे। ये देखें, ये फ्लावर सब सुंदर तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन थर्ड टाइम फ्लावरिंग करने के बाद अब इनमें इतनी जान नहीं रही इन पौधों में कि ये अब बड़े हो सके। और इन सब को मैं हटाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इनमें एक ख़ास बात होती है कि इनके नीचे बल्ब बनते हैं। प्लांट के नीचे अगर आप मिट्टी हटाएंगे तो उसमें बल्ब होते हैं। इसके बल्ब को स्टोर कर लेने से हम नेक्स्ट ईयर इनमें बिना फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्लांट मिल जाता है और उसको उगाना भी बहुत आसान होता है। यहाँ जो आप पेपर फ्लावर देख रहे हैं, ये मैंने सीड से उगाया था और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये क्या मैंने उगाया है, किसी ने मुझे सीड दिया था। अब इसकी रौनक ख़त्म हो गई है, अब ये पूरी तरह से, अब इसमें कोई नई कली भी नहीं है जो ग्रोथ कर सके, तो इन सब को अब हटा देने में ही, ताकि हमारा गमला खाली हो सके। और ये देखें, ये पिटूनिया है, ये गर्मियों वाला, ये देसी पिटूनिया है और ये गर्मी में भी बहुत अच्छे चलते हैं। इसे मैंने उगाया नहीं है, ये अपने आप उगे हुए हैं और सिर्फ मैंने इसकी केयर की है। और आप देखें, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है देसी पिटूनियाज में। अगर आप शाम के टाइम अपने गार्डन में आते हैं तो आप देखेंगे कि इनसे बहुत भीनी भीनी और बहुत बढ़िया खुशबू निकलती है। तो अभी भी अगर गर्मी के दिन में अगर आपके यहाँ प्लांट उगे हुए हैं या फिर नर्सरी में बहुत ही ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं इसके प्लांट, तो आप अभी भी इसे लगा सकते हैं और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू उस टाइम तक चलते रहेंगे। यहाँ देखें, जिस गुलाब को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इसके बारे में, ये देखिए कितना बढ़िया मेरा गुलाब। लेकिन कभी कभी टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि आप देख सकते हैं कि गुलाब की पंखड़ियाँ किस तरह से जल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। और आप देखें, वहाँ पिंक वाला भी है और ये बहुत अच्छे से इस वक्त चल रहे हैं। सबसे हार्डी और जो बेहतर प्लांट मुझे लगा वो है ये मिनी सनफ्लावर। ये इतने हार्डी होते हैं कि बिना किसी केयर का आपके गार्डन में चलते रहेंगे। और अभी कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इसका प्लांट कितना ग्रीन, कितना बढ़िया है। इस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए अगर आप चाहें तो इसको सीड से उगा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया चलते हैं। और इसके साथ ही ये पिटूनिया जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। मेरा जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो इस मिनिएचर क्राइसेंथमम के साथ रहा है। और आप देख सकते हैं, अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर लगाएं, ये बहुत बढ़िया प्लांट है। और लगातार ये
कितने टाइम से फ्लावरिंग कर रहा है, हरा भरा है। मुझे इसमें कोई ख़ास केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक बार मिट्टी अच्छी बनानी है उसके बाद ये चलते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पिटूनिया बहुत बढ़िया चल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे पिटूनिया मेरे इधर इन दिनों बारिश बहुत हुई है जिसकी वजह से वो ख़राब हो गए। पिटूनिया बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, लेकिन आप यहाँ पे देखें मैंने कुछ इसमें केयर किया है, कुछ इसके काट छाँट की है जिसकी वजह से ये फिर से बहुत बढ़िया ब्लूम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही ये मैंने सीड से उगाया है, ये देखें फ्लॉक्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था फ्लॉक्स बहुत जल्दी खिलना शुरू होते हैं और मई के लास्ट तक खिलते हैं अगर आपने उनकी ढंग से केयर की तो। यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्पल पिटूनिया है, ये बहुत कम मुझे देखने को मिलता है लेकिन ये बड़ा खूबसूरत है और किसी तरह इसे भी बचाने में मैं कामयाब रही। और सबसे खूबसूरत प्लांट जो मुझे बहुत पसंद है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमर लिलीज हैं जो बंच में होते हैं, इनके ये भी बल्ब से लगाए जाते हैं और देखें आप ये कितने सुंदर होते हैं। बहुत सारे कलर इसमें होते हैं, रेड कलर भी होता है, वाइट भी होता है, लेकिन मेरे पास ये मिक्स है। रेड कलर भी मेरे पास है लेकिन शायद वो बहुत छोटे गमले में था इसलिए इस बार उसमें कलियां नहीं निकलती हुई मुझे दिख रही हैं। उस पर कुछ काम करना पड़ेगा जिससे उसमें बहुत सारे फ्लावर आएँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम सीजनल फ्लावर प्लांट लगाते हैं तो उन्हें थोड़े अंतराल में बैचेज में लगाना चाहिए। जैसे मैंने डहलिया लगाया था तो आप लोगों को दिखाया ऑरेंज कलर वाले मेरे एक ही लॉट में, जो मैंने जितने भी प्लांट लिए थे वो सारे एक ही कलर के निकल गए। और दूसरे लॉट में जो मैंने 15 या 20 डेज बाद जो प्लांट लगाए थे वो आप देख सकते हैं, वो ये पर्पल कलर का निकला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको देख के क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है और इनकी वैरायटी भी थोड़ी अलग है। अभी जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले जो प्लांट दिखाया था उससे थोड़ी अलग है। बहुत सारे इसमें कलियाँ भी बन रही हैं और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर देखें ये भी पर्पल कलर का मुझे थोड़ा थोड़ा इसमें दिखाई दे रहा है, ये भी पर्पल कलर का ही होगा। और एक और इन्हीं के साथ चार पांच प्लांट मैंने लगाए थे और अभी इसकी पहली फ्लावरिंग है, मुझे लगता है कि ये अभी 15 दिनों तक खिला रहेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसी कलर के आप देखें ये भी मुझे लग रहा है पर्पल कलर के लिए के ही डहलिया हैं। तो इस बार मेरे गार्डन में सिर्फ दो ही कलर हुआ, एक ब्राइट रेडिश ऑरेंज और एक ये पर्पल कलर। मैं तो ये सोच के लाई थी कि मुझे कलरफुल डहलिया मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, लेकिन जब हम छोटे प्लांट लेते हैं तो हमें पता नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत है। गार्डन में कलर बिखेरने में एक और प्लांट बहुत हार्डी और बहुत बढ़िया है, वो है नास्टेशियम का, जो ये देखें इसे भी मैंने नहीं उगाया है। ये हर साल मेरे गार्डन में उग जाते हैं और इनका इस्तेमाल मैं अपने किचन में अपने खाने में करती हूँ। इनका इस्तेमाल सैलड में किया जाता है, इनकी पत्तियों का भी और इनके फ्लावर का भी। और ये हर साल अपने आप इनके सीड गिर के अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब बारिश आई थी तो मैंने इसके तकरीबन सारे प्लांट निकाल दिए थे क्योंकि थोड़े ख़राब से हो गए थे लगातार बारिश से, लेकिन ये एक दो प्लांट अभी भी हैं जो देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और पॉपी मैंने लगाया था, बहुत छोटा छोटा प्लांट, ये वाइट वाले पॉपी फर्स्ट टाइम मैंने लगाए थे। देखें सीजन जब ख़त्म होने लगता है तो फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन ये छोटे छोटे हो गए हैं, रेड कलर में भी है, उधर देखें ऑरेंज कलर में भी है। और मेरे पास एक और शेड है जिसमें साइड में वाइट कलर का, ये भी कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। कुछ दिन मैं और इनको रखूँगी उसके बाद निकाल दूँगी क्योंकि अभी गर्मी के सीज़न के भी प्लांट लगने बाकी हैं तो ये अभी इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और जगह जगह आपको मैं दिखाऊं तो अपने मिनिएचर सनफ्लावर को ही दिखाना पसंद करूंगी क्योंकि इन्हें मैं चाहती हूं कि इन्हें जैसे ये जब छोटे गमले में लगाए जाते हैं तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा सा स्पेस दें तो ये काफ़ी बड़े बड़े और ऊँचे ऊँचे हो जाते हैं। ये देखें ये स्पेस वाली जगह पर लगे हुए हैं तो ये देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये मेरा अडेनियम जिसे मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ था, अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है लेकिन बारिश की वजह से मैंने देखा है कि थोड़ी फ्लावरिंग कम हो रही है इस समय, लेकिन मुझे लगता है कि गर्मियों में इसे डेजर्ट रोज बोला जाता है, गर्मियों में और बेहतर फ्लावरिंग होगी। इधर देखें मेरे वाइट वाले कुछ रोज हैं
जिसमें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसमें लगे हुए रोज़ आप देख सकते हैं जो पुराने हो गए हैं, ये किस तरह से हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी कलियां हैं और बहुत बढ़िया खिल रहे हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे साल्विया है जो लगातार कंटिन्यूस खिल रहा है। इसका भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया रहता है, हर साल ये बहुत अच्छे खिलते हैं, दो तीन कलर में होते हैं और सबसे सुंदर ये रेड कलर है। यहाँ पे ये मैरीगोल्ड है जो पॉम पॉम वैरायटी का है, जिसमें पूरे फुल होते हैं ये और गोल गोल से दिखते हैं। और यहाँ पे फ्लॉक्स है जिस जो मिक्स एंड मैच करके लगा हुआ है, वाइट। और इधर देखें मैजेंटा है, ये सारे फ्लॉक्स हैं जो सीड से लगे हुए हैं। ये कैलेंडुला है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है लेकिन अब ये जाने वाले हैं। देखें इसमें सीड का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, ये जब इसमें सूख जाएंगे ये सीड बन जाते हैं, इस तरह से कैलेंडुला है। और इसके बाद आप इधर देखें, ये भी सीड से ही ग्रो हुए हैं, ये अलग वैरायटी का अलग कलर का मैरीगोल्ड है। इसके साथ ही एक ही प्लांटर में मैंने दो दो लगा रखे हैं, ये भी ये फ्रेंच मैरीगोल्ड हैं। और यहाँ पे आप जितने भी लगे हुए देख रहे हैं फ्रेंच मैरीगोल्ड हैं, ये काफ़ी दिन तक टिके रहते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ मैंने सूरजमुखी का जो बड़ा वाला फ्लावर होता है वो लगाया है। हालांकि यहाँ पे एक गलती की है मैंने, जैसे ये चार पांच फ्लावर जो हैं एक छोटे से यहाँ पे ग्रो बैग में लगा हुआ है, जिसमें एक मैरीगोल्ड का ये प्लांट भी लगा हुआ है। इनको इतनी खुराक नहीं मिल पाती, इनको इतना सारा खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये छोटे ही रह गए हैं। लेकिन अगर एक एक प्लांट एक प्लांटर में लगाया जाए तो ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं और गर्मियों में भी चलते हैं। तो और यहाँ ये देखें, जो मैंने आप लोगों को मिनिएचर क्राइसथेमम दिखाया था उसी का ये बड़ा वाला फ्लावर है, ये भी काफ़ी लंबे समय तक खिलते रहते हैं। और फिर यहाँ पे इस तरह से देखें बढ़ते हुए, यहाँ पे ये सनफ्लावर भी सारा का सारा सनफ्लावर है। और अपने गार्डन का अब आपको सेंटर पॉइंट दिखाना चाहूँगी। इसका प्लांट देख रहे हैं, ये इस साल का नंबर वन प्लांट है मेरे हिसाब से। और इसकी केयर टिप्स मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि ये सालों भर रह जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा गार्डन, हालांकि बहुत सारे फूल चले गए हैं लेकिन फिर भी मेरा गार्डन कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देखें। डेजी कहा जाता है। और इसमें ये प्लांट जब मैं मार्केट से लेके आई थी, ये बहुत कॉस्टली दिया था मुझे, ये भी छोटा सा प्लांट 50 रुपीज़ ईच था। यहाँ भी देखें डेजी की ही एक वैरायटी है, लेकिन ये इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा मुझे। अगर आप लोग ज़मीन में रेज्ड बेड बनाते हैं उसके लिए तो ये ठीक है एक साथ, लेकिन गमले के लिए मुझे ये अच्छे नहीं लगे। इसलिए मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट ईयर मैं इसे ना उगाऊँ। और स्टॉक का तो आपको बता ही दिया, ये बहुत बढ़िया प्लांट होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और मेरे गार्डन में ये बहुत टाइम से खिल रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।